Hello guys, welcome to my channel. I hope you guys are doing well. Please subscribe कीजिए and press the bell icon अगर आप नए हो मेरे चैनल में. हमने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन और इस रेसिपी में हम लोग चिकन का फैट्स भी यूज करने वाले हैं. सारा चिकन को डाल देंगे ब्लेंडर में. इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच चॉप लहसुन, एक छोटी चम्मच चॉप्ड अदरक और एक मीडियम साइज प्याज जिसको हमने फाइनली चॉप किया है. एक टेबल स्पून ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स. 10 पीस काजू को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है, इसमें डाल देंगे. और थोड़ा सा हमें ऐड करना है फ्रेश धनिया. 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें. एक और आधा छोटी चम्मच ऐड करेंगे नमक. एक छोटी चम्मच ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो लंबे समय के लिए, यूज ड्राई कोरिएंडर. आप गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, जिंजर पाउडर यूज कीजिएगा. ये ऐड करने से थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा, बट इट्स ओके. अभी हमें इसको ब्लेंड कर लेना है टू अ फाइन पेस्ट. और ये हो चुका है. और आपको बिल्कुल इतना फाइनली ब्लेंड करना है. आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हो. हमने ले लिया सिल्वर फॉइल. इसमें ऐड करेंगे 1/3 ऑफ द मिक्सचर. और इसे हमें अच्छे से फैला लेना है, सिलिंड्रिकल शेप देना है इसे. और इसे हमें कर लेना है रैप. रोल करेंगे इसको अच्छे से और सील करते रहना है हमें साइड्स को, ताकि ये ना निकले वाइल्ड सिमरिंग. और बिल्कुल टॉफी का जैसा हमें इसको रैप कर लेना है. दूसरा भी हमें बना लेना है इन सिमिलर वे. रोल कर लेना है हमें इसको अच्छे से और सील कर देना है साइड्स को. और फिर इसे अच्छे से कर लेंगे स्क्वीज. बिल्कुल टॉफी का जैसे इसे हमें रैप कर लेना है. एक बार इसे रोल करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये फैल जाए इवेंटली. और ये हो चुका है. और हमने ले लिया है पतीला में पानी. हमें इसको कर लेना है बॉयल सबसे पहले. जब ये उबलना चालू हो जाए हमें फ्लेम को कर लेना है ऑन मीडियम. और आप देख सकते हो ये बॉयल नहीं हो रहा है, ये अभी सिमर हो रहा है. अभी हमें पका लेना है हमारा सलामी. इसको हमें 30 मिनट के लिए पकाना है ऑन सिमर. जैसे कि आप देख सकते हो ये सारा नीचे है. अभी कुछ देर बाद ये ऊपर आ चुका है. अभी हमें सारा सलामी को कर लेना है टर्न. डू इट केयरफुली. आफ्टर एवरी 5 to 6 मिनट इसे टर्न करते रहिएगा. और 30 मिनट बाद हमें फ्लेम को कर लेना है बंद. और हमें आइस बाथ प्रिपेयर करना है सलामी को ठंडा करने के लिए. इसे अभी 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे. और 20 मिनट बाद अभी हम आपको अनरैप करके दिखाने वाला हूँ. और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा से होल्ड कर रहा है अपना शेप. बहुत ही सुंदर हुआ है हमारा सलामी. अभी हम आपको काट के दिखाने वाले हैं अंदर कैसे है ये. और आप देख सकते हो ये कितना इजीली कट रहा है और अंदर में कोई गैप नहीं है. बहुत ही अच्छा बना है. आप इसे कोल्ड कट में यूज कर सकते हो, पिज्जा में डाल सकते हो, सैंडविच बना सकते हो और आप इसे ऐसे भी खा सकते हो. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंजॉय कुकिंग. टेक केयर.